हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आ गए फिर से एक और नई वीडियो के साथ और करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग और इजी एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए यार, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास हैं दो बीकर और दोनों बीकरों के अंदर भरा है पानी, और है हमारे पास दो आलू, दो मीडियम साइज के आलू हैं भाई साहब। तो क्या करते हैं यार, पहले जो हम एक आलू लेते हैं यार, एक आलू डाल देते हैं बीकर के अंदर। लो जी भाई साहब, ये आलू तो नीचे डूब गया, और दूसरा आलू लेते हैं, दूसरे बीकर के अंदर डाल देते हैं इसको। बट ये क्या हुआ यार, ये आलू तो यहाँ पर तैरने लगा। तो यार ये हुआ क्या, इसके पीछे क्या राज है? क्या पता आलू, हो सकता है कोई आलू में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक काम करते हैं, आलू को ट्राई करके देख लेते हैं अलग अलग बीकर में डालकर। तो यार पहले तो इसको निकाल देते हैं। लो भाई, ये आलू आ गया बाहर, और इस आलू को निकालते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं, जो दूसरा आलू हमने निकाला था इस बीकर के अंदर डाल देते हैं। बट ये क्या है, ये वाला आलू तो यार फिर से यहाँ पर भी डूब गया। तो एक काम करते हैं, इस वाले आलू डाल के देखते हैं इसके अंदर। अरे वाह भाई साहब, ये आलू जो तैरने लगा। यार क्या चक्कर है इसके पीछे? तो यार आपको राज बता ही देते हैं क्या रहता है इसके पीछे। तो पहले इस आलू को निकालते हैं बाहर, और बाकी देखेंगे यहाँ ये वाला आलू जो इस वाले बीकर में भी जो आलू तैरने लगा। उसके लिए क्या करना है भाई, सिंपली हम लेंगे सॉल्ट, एक दो चम्मच इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं दूसरे बीकर में। ये लो जी, ये क्या आ गया इसमें, एक दो करते हैं साइड। तो यार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें। इस बीकर के अंदर जो पानी है उसमें उसमें पहले से ही सॉल्ट ऐड किया हुआ था, जबकि वो नॉर्मल पानी था, उसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं था। तो ये काफ़ी देर पानी इसके अंदर रखा हुआ है, प्रॉपर ऐड हो चुका है इसके अंदर, सॉल्ट प्रॉपर ऐड हो चुका है इस पानी के अंदर, तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है और वो दूध ही दिख रहा है। तो यार इस आलू को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये आलू भी भाई साहब यहाँ पर जो तैरने लगेगा। तो राइट गाइस, देखा आपने, तो है ना मज़ेदार यार, मतलब कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो यार हमने पानी ऐड कर दिया, हमने पानी के अंदर जो सॉल्ट ऐड कर दिया, तो हमारा जो आलू है वो तैरने लगा, नॉर्मल पानी के अंदर जो हमारे आलू तैर नहीं रहे थे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो प्लीज़ कर देना लाइक, और शेयर भी ज़रूर कर देना, और इसके पीछे जो क्या साइंस है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो जानते हैं, अगर नहीं जानते उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस करते हैं अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग भी है और काफ़ी ईजी है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें एक लाइटर और चाहिए एक सीरेंज। एक सीरेंज जिसे देख के बच्चे, तो बच्चे बड़े भी डर जाते हैं, तो कभी ना कभी तो यार आपको इंजेक्शन लगा ही होगा। तो लाइट क्या करना, सबसे पहले जो सीरेंज है उसकी नीडल को निकाल देते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सीरिंज है सीरिंज को लगाएंगे लाइटर के ऊपर कुछ इस तरह से, यहाँ पर हेड पर, लाइटर के हेड पर, और जो लाइटर का जो क्लेमिंग का बटन है उसे प्रेस करेंगे लाइक दिस। उसके बाद सीरिंज को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, जो सीरिंज का पिस्टन है कुछ इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसको खींचना है। ऑलराइट, इससे क्या हुआ भाई साहब, जो हमारा जो सीरिंज है उसके अंदर जो है ब्यूटेन गैस भर गई। ऑलराइट, नीडल लगा देंगे सीरिंज के ऊपर, और उसका जो कैप है उसको निकाल देंगे लाइक दिस। लाइटर को जलाएंगे कुछ इस तरह से, और सीरिंज का जो पिस्टन है उसको धीरे धीरे मूव करेंगे लाइक दिस। तो गाइज है ना अमेजिंग। तो गाइज आपको हमारा एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो प्लीज़ कर देना लाइक, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। चैनल बनाए तो प्लीज़ करना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।